देखिए आज जो है हम 9 क्लास हिंदी मीडियम को हिंदी पढ़ाने के जो है संदर्भ में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैं आप लोगों का जो है हिंदी अनुपूरक पढ़ा रहा था, हिंदी अनुपूरक पढ़ा रहा था। और उस हिंदी अनुपूरक में लगभग हम आप देखेंगे तो जो 7 चैप्टर है, जो 7 चैप्टर है उसमें हमको लग रहा है कि लगभग हम 5 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। तो उस जो है वह किताब तो आपकी छमाही से भी पार कर गई है, अब 2 पाठ और केवल पढ़ाना है और पाठ खत्म हो जाएगी। तो खैर आपको समझ में आया होगा, आप उसको जो है अपने दिमाग में जो है उसको रखिए, बराबर उसको बीच बीच में पढ़ करके उसकी पुनरावृत्ति करते रहें। अब आप लोगों को जो है गोधूली भाग एक जो है, गोधूली भाग एक जो है आप लोगों को पढ़ना है। उसमें जो है गोधूली भाग एक में 2 तरह के जो है बुक में दिए गए हैं, यानी 2 भाग कर दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। तो आज हम चाह रहे हैं कि आप लोगों को गद्य खंड के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है, यानी कहानी का प्लाट, और उसी को हम जो है बताएं जो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा जो है लिखा गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है हमें शिवपूजन सहाय के जीवनी के विषय में जानना होगा, यानी कहानी का पाठ पाठ नंबर एक जो है मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ। अब इसके पहले मैं आप लोगों को ग्रामर बताया था और उसके बाद जो है वो छोटा वाला जो पतला है उसे बताया था। पाठ एक जो है कहानी का प्लाट है, कहानी का प्लाट। तो कहानी का प्लाट जो है इसके रचनाकार जो है, ये रचनाकार जो है हमारे आचार्य आचार्य शिवपूजन सहाय जी। हालांकि आपके बुक में केवल शिवपूजन सहाय दिया है, मैंने आचार्य कर दिया, क्योंकि निश्चित तौर पर यह एक सम्मानित जो मैंने आचार्य लगाया इनके लिए समीचीन है, इसलिए कुछ लोग इनको आचार्य शिवपूजन सहाय भी करते हैं। तो सबसे पहले आइए शिवपूजन सहाय के विषय में हम जान लें। इनका जो जन्म है, शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1800, इनका जन्म जो है यानी शिवपूजन सहाय जी का जो जन्म है वो 1853 ईस्वी में हुआ था, 1853 इनका जन्म जो है 1853 ईस्वी में। और ये बहुत दूर के नहीं थे, आपको जो है उनवास जो है बक्सर में है इनका जन्म स्थल जो है, जन्म स्थल जो है उनवास जो है वो बक्सर में, बक्सर, क्योंकि बक्सर आप जानते हैं कि बिहार में, यही जो है उनका जन्म हुआ था शिवपूजन जी का। हालांकि इनका बचपन का जो नाम था, इनका बचपन नाम भोलानाथ। अब भोलानाथ क्यों इनको लोग कहते थे, क्योंकि ये इतने फक्कड़ किस्म के थे, ये इतने उदार हृदय वाले थे, शिव भक्त थे, यानी इनके ऊपर अपने पिता की पूरी पूरी जो है छाया पड़ी है, प्रभाव पड़ा है। तो उसमें जो है इनका बचपन का नाम जो है भोलानाथ था। जैसा कि आपको बता दें कि प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी अपने ही गांव में हुई है, प्रारंभिक शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा के बाद 10वीं कक्षा की जब परीक्षा इन्होंने पास किया, ओकरा बाद जो है ये चले आए वाराणसी में।
की अदालत में और नकल नवीस की नौकरी करने लगे। नकल नवीस कहते हैं, आप लोग देखे होंगे जो तही लुगरा लुकाता है कचहरी, उसी को नकल नवीस कहते हैं। तो ये जान लेना हम लोग के लिए बड़ी जरूरी था। ये नौकरी करने लगे और हालांकि उस समय अपने जो है एथी के बल पर, यानी अपने प्रधानता के बल पर, इन्होंने हिंदी के जो है शिक्षण कार्य में शिक्षक के रूप में जो है कार्य किया। बाद में असहयोग आंदोलन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1942 लगभग में चलाया गया था ईस्वी में, तो उसमें जो है ये नौकरी को त्याग कर और देश की गुलामी की दास्ता को मुक्त करने हेतु अपने नौकरी से जो है त्याग पत्र दे दिया। और ये कार्य केवल श्री पूजन सहाय ने नहीं किया, बल्कि इतने अनगिनत नाम है इस कड़ी में कि जो इतिहास से हमें ऐसा प्राप्त होता है, तो आप खुद समझ जाएंगे कि बहुत लोग महात्मा गांधी में कौन सा अट्रैक्शन था, कौन सा आकर्षण था जिसके वजह से उनके शत्रु भी उनके मित्र बन जाते थे, उनके प्रभाव से, उनके बातचीत के क्रम से। और उसी क्रम में हमारे श्री पूजन सहाय जी ने जो आपको जो श्वेत पट पर मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको दिखाई देता होगा, इसमें जो है ये श्री पूजन सहाय जी जो है वो भी अपने नौकरी को त्याग दिया। और फिर बाद में बहुत जो है लेखन कार्य करना शुरू कर दिया और उसमें इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इन्होंने जो है जागरण, हिमालय और माधुरी, फिर एक बार सुने, जागरण, हिमालय और माधुरी, ये पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं का इन्होंने जो है संपादन किया। संपादन करने का अर्थ क्या होता है आपको जान लेना बड़ी जरूरी है। संपादक जो होता है वो अखबार में देश या विदेश से आई हुई खबरों को जब अपने अखबार में जब उसको प्रतिपादित करता है, तो उसमें सबसे ज्यादा शीर्षक और शुद्धता देने का कार्य संपादक का होता है। संपादक जो है उसमें शुद्धता भी करता है और उसमें जो है शीर्षक भी उपयुक्त देता है। ये बहुत बड़ी कला है, क्योंकि जब तक हम दक्ष न हो, प्रवीण न हो, तब तक ऐसा करना असंभव होता है। ये कार्य हमारे श्री पूजन सहाय जी का, श्री पूजन सहाय जी के द्वारा विरचित कहानियां या कविताएं आपको उच्च क्लास में भी पढ़ने को मिलेगी, परंतु अभी तो आप नौ क्लास में हैं, आप अपने नौ क्लास के हिसाब से इसको जानें। उसके बाद उच्च क्लास में भी आपको इनके विषय में पढ़ना होगा थोड़ा विस्तृत। इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सन 1963 का दिन हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन है, क्योंकि 1963 ईस्वी में इनका जो है निधन हो गया। यानी एक हिंदी का सूर्य अस्त हो गया, क्योंकि इनके हिंदी की जो लिखने की जो कहानी या कविता लिखने की जो शैली है वो बड़ी ग्रामीण क्षेत्र से आती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इनकी बातों को बड़ी भली भांति समझ जाते हैं, इसलिए जो है इनके द्वारा लिखी हुई बहुत सारी जो है जिसे अभी आप लोगों को जो पढ़ना है, कहानी का प्लाट और मुंडवाल, ये मार्मिक कहानियां लिखकर उन्होंने हिंदी तथा साहित्य की जो ऐश्वर्य वृद्धि किया वो अपने आप में ये दर्शाता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, केवल दसवां पास करने वाला व्यक्ति इतने बड़े लेखन कार्य को मूर्त रूप प्रदान किया, साहित्य में इनकी विधाओं को सर्वोत्कृष्ट माना गया, ये कार्य बिल्कुल असहज लगता है, साधारण जन के लिए असहज लगता है, लेकिन प्रतिभावान व्यक्ति के लिए असहज नहीं है और उन्हें वो कारनामे करके दिखा भी दिया है। इसके बाद उन्होंने विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वेदीन, वेलो, बिम आदि पुस्तकों के अलावा सैकड़ों लेख, निबंध, पत्र पत्रिका इत्यादि का जो है रचना होने की। अब प्रश्न यह है कि प्रश्न आएगा आप लोगों को, जैसा कि
नौ क्लास में आप लोगों का हालांकि बोर्ड तो नहीं है, परंतु तो ऐसा नहीं कि हम अज्ञानी बन करके और कोरम पूरा करके पास हो जाए तो उससे कुछ बनने वाला तो है नहीं। नौ क्लास का ज्ञान ही तो हमारा दस क्लास में बिल्कुल वो एक प्रकाश के रूप में उभर करा जाता है, इसलिए नौ क्लास में हम अच्छे तरीके से अध्ययन करें ताकि दस क्लास हमारे लिए बिल्कुल सरल बन जाए। तो इसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि या तो इनका पूछ देगा कि जन्म कब हुआ था, एक नंबर का, चूंकि 50% आप लोग जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपको आ रहे हैं, तो इनका जन्म कब हुआ था, बचपन का उनका नाम क्या था, कहां उनका जो है जन्म स्थान था, इस तरह का प्रश्न जरूर दे देता है। और साथ ही साथ ये आपको ये भी दे देता है, जैसे अभी मैंने बताया विभूति, दो घड़ी, देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, तो किसी एक का नाम दे देगा, मान लीजिए दे दिया वे दिन वे लोग के रचनाकार कौन है, अभी तो तत्क्षण, क्योंकि वर्तमान काल में प्रेजेंट टाइम में अभी मैं बता रहा हूं, आप सुन भी रहे हैं, तो अब तो अभी तो आसान है बता देना, परंतु जैसे जैसे पाठ उत्तरोत्तर गति के साथ बढ़ते जाएगा और धीरे धीरे पीछे वाला पाठ हटते जाएगा, स्मृति आपकी दुर्बल और कमजोर होती जाएगी, फिर न जाने अभी तो एक याद करना है, पहला पाठ है, फिर उसके बाद कई लोगों का याद करना पड़ेगा, तो शायद भूलने की जो है उसमें संभावना बढ़ जाती है। यही कारण है कि मैं बार बार प्रेस देकर इस बात को कहता हूं कि एक चीज को आप बार बार देखते हैं ताकि जो आपको एक बार बता दिया गया वो ना भूले, फिर आगे आपको बताया जाएगा उसे भी ना भूले, और फिर तीसरा बताया जाएगा उसे भी ना भूले, धीरे धीरे एक उसको करना क्या है कि मान लीजिए कि जो रचनाकार हैं उनका नाम और उनके बुक का नाम लिख लें, उनका जन्म और मृत्यु लिख लें, उनको क्या सम्मानित है उसको लिख लें, और उसको लिख कर एक पन्ने पर जो है अपना एक बना लें बढ़िया से, और उसके बाद जब भी हो उसको एक बार उल्लेख कर देख लिया करें, निश्चित तौर पर आपको बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। हमारे विद्यालय की मैं बड़ा गौरवान्वित हो रहा हूं, हमारे विद्यालय की एक बच्ची जो अनुप्रिया पटेल है, मन 92 पॉइंट कुछ जो है 4 या 6 जो है नंबर ला करके हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है उसने, हम लोगों ने उसको जो गाइडलाइन दिया उस गाइडलाइन के अनुसार वो चलने का काम की, हालांकि पेपर पत्रिका में जो है यूनिक आइडिया वाला निकलवा दिया था अपना, वो एक विषय क्या केवल मैथ पढ़ाया उसी से टॉप कर गई, ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है, मैं इसका खंडन कर रहा हूं, हर विषय को यहाँ बहुत ढंग से जो है बताया गया था, और यही कारण है कि वो बच्ची जो है जिला में अपना एक माने स्थान बना पाई है। तो आप भी अगर इस तरह का पढ़ेंगे तो ये असंभव नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, केवल आप घबरा करके और उसको पढ़ते नहीं है, और जब पढ़ते नहीं है तो ऐसा लगता है कि असंभव हो गया आपके लिए। अगर आप एक एक शब्द का ध्यान दें, एक एक बातों पर अमल करें, तो आपका 92 नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप बिहार टॉपर बनकर दिखा सकते हैं, आप जिला टॉपर बनकर आप दिखा सकते हैं, आपका जो है 97-98% भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप चूंकि गाइड के अनुसार अगर पढ़ना पसंद कर लें तो फिर आपको कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। तो इस तरह से मैं कह रहा था, उसके बाद जो है अब जो आपको कहानी का जो प्लाट जो शीर्षक आप सामने जो देख रहे हैं जो कहानी है इसमें जो है वो कह रहे हैं कहानीकार जो है इसमें जो है नारी समाज का जो नवनिर्माण जो होता है उसमें जो तिलक और दहेज की जो कुंठित प्रथा है वो लोगों को बिल्कुल सोसा की तरह लगता है कि कितनी बड़ी मुंह फैला करके इस वातावरण को विषाक्त बनाते चली जा रही है। अगर लड़की वाले यदि लड़का वाले के पास जाते हैं तो उनको जैसे लगता है कि हमारा पहले का कर्जा खाया हुआ व्यक्ति हमारे पास चल रहा है और उससे जितना सूद बुर जोड़कर पूरा जो है कर्जा उससे हम लेंगे। क्या लड़का और लड़की वालों में दोनों में फर्क होना चाहिए? सामाजिक मान्यता में तो दोनों को एक समान माना गया है, और मेरे मुझसे अगर आप पूछेंगे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है तो मैं एक बार कहूंगा कि लड़की पक्ष के पिता और माता लड़का पक्ष के पिता और माता से सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि मैं धार्मिक मत का हूं, मेरा विचार है कि देने वाले
देने वाले को महान माना गया है, लेने वाले को महान नहीं माना गया है। तो लड़का का पिता उस वधु को लेने के लिए जाता है, इसलिए वो महान नहीं होता। और लड़की का पिता और माता अपने उस अमूल्य वस्तु को आपको दान दे देता है, इसलिए वो महान नहीं होता। तो और तिलक दहेज उसमें जो है कोढ़ में खाद के काम कर रहा है। और देखिए ना, समाज में एक तिलक के सहारे जो गलत चीज पेश किया गया है, जो इस कहानी में बताया गया है कि दहेज के विषाक्त वातावरण के कारण मनोवांछित वर को ढूंढने में कन्या पक्ष का पिता अपने आप को असहज और बिल्कुल दुर्बल और कमजोर पाता है, और उसका परिणाम भी बड़ा बुरा हो जाता है। तो ठीक है, तिलक और दहेज की क्रूरता की शिकार एक लड़की जिसका नाम भगजोगिनी है, और उसका एक जो वृद्ध पिता है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के गले में उसको बांध दी जाती है केवल तिलक के कारण, जबकि सुंदरता उसकी बिल्कुल अनुपम है, परंतु गरीबी के कारण उससे कोई भी लड़का का जो है लड़का या लड़का का पिता अपने लड़के के लिए उसे वधु रूप में वरण करने को नहीं करता है। तो अब निश्चित तौर पर आप जानते हैं कि वो 16 साल की बच्ची और एक 50 वर्ष के बुढ़े के साथ यदि चूंकि दहेज के मारे शादी कर दी जाएगी, तो अब मानकर चलिए कि 10 साल के बाद जब 16 और 10 26 वर्ष की होगी, 25-26 वर्ष की उम्र में तो लड़कियों के आधुनिक युग में शादी हो रही है, और उस युग में अब बताइए कि उस युग में तब तक वो बूढ़ा की उम्र जो है जो 50-55 वर्ष में शादी हुई उसकी 65 वर्ष हो जाती है, क्या उसका विकेट गिरने की संभावना है कि नहीं है? तो जब उसकी विकेट गिर जाएगी तो ये बेचारी अभी युवा है, अभी युवा अवस्था को प्राप्त है। यही कारण है कि उस बूढ़े के मरने के बाद अपने ही बूढ़े के पूर्व सौतेली जो उसकी जो माने लगेगी बहन ही तो लगेगी ना, उसके लड़के से सामाजिक मर्यादा को तोड़कर यह लड़की पुनः विवाह कर देती है। और यही कहानी की जो है चरम सीमा भी है। आप देखिए दहेज के कारण कितना जो है उसको कष्ट सहना पड़ा। इसलिए आने वाले समय में हम तो यही कहते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध माना गया है, इसके लिए कानून भी बन गई है। आप दहेज खुले दिल से नहीं मांग सकते, अब चुपके से कोई दे देता है, चुपके से कोई दे देता है तो इसको सरकार थोड़ी जानती है, लेकिन जिस दिन आप इसकी शिकायत अगर थाना पर करते हैं तो निश्चित तौर पर दहेज लेने वाला मुकर जाता है, नहीं मैंने दहेज नहीं मांगा। तो इस तरह से यह कहानी का प्लॉट जो है वो जो आपको पार्ट एक जो है उसके अंतर्गत अब मैं उसके विषय में बताने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने इनको आचार्य कहा है, आचार्य श्री भुजन साहब, जबकि आपके पाठ्य पुस्तक में केवल जो है लिखा हुआ है श्री भुजन साहब, मैंने आचार्य कहा है। और क्यों कहा है इसका जिक्र मैं कर रहा हूं, देखिए यह लेखक कितना बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है, कितना बड़ा जो है क्या कहते हैं विनम्र व्यक्ति है, कि इन्होंने अपनी तारीफ अपने से नहीं की है। और यही बात हिंदी साहित्य के चंद्रमा कहे जाने वाले हमारे तुलसीदास जी ने भी कहा था। क्या कहा था? कवि न हूं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। देखिए उसमें भी विनम्रता झलक रही है। और यहां कहानी का प्लाट जो श्री पूजन साहब ये भी कह रहे हैं, मैं कहानी लेखक नहीं हूं। देखिए इनकी कहानी सभी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी बहुत सारे कविताकार और लेखक इनका अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना करें, तो निश्चित तौर पर मैं एक बात इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कहानी का प्लाट
सभी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी ये इनका कहना कि मैं कहानी लेखक नहीं हूं, क्या इनके विनम्रता और उदारता का परिचय नहीं है? इसलिए आप सीखें, आप बहुत बड़ा काम कर दें, फिर भी अपने को शाबाश नहीं न दें, बल्कि ये कहें मेरे पिता के कारण, मेरे गुरु के कारण, मेरे मित्र के कारण, मेरी माँ के कारण, मेरे पुरजन और परिजन और स्वजन के कारण मैंने एक कार्य सफल रूप में प्राप्त किया है, यानी सफलता प्राप्त की है। ये महानता होती है। और आजकल आजकल के लोग छोटी सी सफलता मिल गई तो पूरा अंगनी दिखाकर दो दो अंगनी दिखाते हैं। आप लोग फोटो वोटो में देखे होंगे, अखबार के फोटो में आप लोग देखे होंगे, दो दो अंगनी दिखाते हैं, आ मैं एकदम विश्व विजयी बन गया। अरे यार, इस तरह की बातें बिल्कुल अपने उदंडता उच्छृंखलता को दिखाती है, दर्शाती है। इसलिए और देखो कह रहे हैं, कहानी लिखने की प्रतिभा इससे मुझ में नहीं है। ये सारी बातें उनकी विनम्रता का सूचक है। कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए, और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं। ये कितनी अच्छी बात है, किस तरह की बात वो कह रहे हैं। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लाट सा पा गया। यहाँ प्लाट का अर्थ आप लोग देखे होंगे, प्लाट तो हालांकि कहते हैं खेत के जो नंबरिंग होता है उसको कहते हैं, परंतु यहाँ प्लाट का अर्थ एक आधार मिल गया, आधार मिल गया है। लेखक और कवियों के सानिध्य में रहने का कह रहे हैं कि उनके कृपा से, उनके आधार पर ही मैं इस भड़कीली इमारत को खड़ा करना चाहता हूं। और ये उनके बिल्कुल विनम्रता का ही परिचायक है। अब देखिए, अपने आप को एक देहाती कहानी के रूप में, अपने ग्रामीण क्षेत्र के होने में गर्व अनुभव कर रहे हैं। आजकल के लोग तो अपने को शहरी होने में गर्व महसूस करते हैं कि आई एम जो है मैं सिटीजन हूं, मैं शहरी हूं, परंतु अरे मैं देहाती हूं और मेरा गांव एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ी गंवारू, गंवारू मतलब होता है गांव का नाम। लोग सुने होंगे बहुत सारे गांव इस तरह का है जिनका प्रातः प्रातः कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। बहुत ऐसे गांव है जो विचित्र विचित्र के गांव है। अब उसका नाम चूंकि मैं नहीं लेना चाहता इस आधुनिक जो है आपके मोबाइल वाले माध्यम पर नहीं लेना चाहता, चूंकि लूंगा इसका जो है वीडियो बन रहा है, लोग कहेंगे कि देखिए सर किस तरह कह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं नाम रखूंगा। गांव का नाम आप लोग खुद सुने होंगे जो आपको खुद अटपटांग लगता होगा, ऐसे ऐसे नाम है। इसलिए कह रहे हैं कि उस गांव में एक मुंशी जी रहते थे। मुंशी जी आप लोग जानते हैं कि दारोगा और मुंशी जी वो पुलिस प्रशासन से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? पुलिस और प्रशासन से उनका संबंध है, इसीलिए वो जो है आपको दारोगा दारोगा जो है दारोगा को हमको लग रहा है मुंशी जी भी कहते हैं, थे पहले दारोगा कहीं मुंशी जी भी कहते थे। और उनका नाम भी बड़ा विचित्र था, अनमिल आखर अर्थ जापू। अनमिल जो मिलाने पर नहीं मिलता, आखर अर्थ जापू उनको मिला करके हम कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, ऐसा नाम था। इसलिए इसे साहित्यकों के सामने मैं नहीं बताना चाहता। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है, यानी अब तक मौजूद है का मतलब कि अभी वर्तमान में भी जिस कहानी को आप मैं बताने जा रहा हूं भवयुगनी नाम दिया गया है, वो लड़की आज भी जीवित है। ऐसा नहीं ये कोई मने एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये बल्कि प्रत्यक्ष और हकीकत की कहानी है। तो उसका नाम कह रहे कि नहीं बताऊंगा, चूंकि जो बात यदि मैं बताऊंगा तो हो सकता है कि एक किताब के माध्यम से आप वहां तक पहुंच जाएंगे तो उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए लेखक इस चीज से बचना चाह रहा है। और कह रहे हैं कि एक काल्पनिक नाम लेना चाहता हूं। आप साधारण घटना देखे होंगे, पुलिस किसी लड़की की बात आती है, कोई छेड़खानी की आती है, बलात्कार की बात आती है, क्या वो गांव का नाम बताता है? पुलिस नहीं बताता है, चूंकि उसकी प्रतिष्ठा है, उसको शादी करनी है, फिर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं होता। उसका कल्पित नाम रखा गया है भवयुगनी। भवयुगनी नाम भी एक लगता है हमको सारगर्भित नाम है। आप लोग जैसे मध्य रात्रि या बहुत जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें आप देखे होंगे पूरा भवयुगनी जुगनू को कहते हैं। जुगनू आप लोग देखे होंगे, एक कीटाणु होता है छोटा सा,
और उसके पूछ तर जो है पूरा लगता है कि जल रहा है कोई चीज, चुप चुप करता है। आप ऐसा देखेंगे लाइट की तरह हल्का, मतलब पूरा प्रकाश नहीं आता कि हल्का लगता है कि चुप चुप करता है, बल्ब नहीं है वो, लेकिन हल्का जो है जलता हुआ दिखाई देता है। ये लड़की भी गरीबी के जो है मार के कारण इतनी सुंदर है, परंतु इसकी सुंदरता का विकास जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, और ये लगता है कि भवरोगिनी की तरह चमक तो रही है लेकिन अपने चमक के प्रकाश को दूर तक नहीं फैल रही है, क्योंकि गरीबी उसको कुंठित कर दिया है। हालांकि देखिए ना, शब्द तो इतने बताने के लिए आ जाते हैं कि कितना बता दिया जाए, परंतु समय और आपका सिलेबस और कोर्स सबका जो है ख्याल करते हुए हम लोग इसको आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप थोड़ा सा जान लें कि इस तरह से जो है उसका नाम भवयोगिनी, चूंकि ये कहानी देहात की है इसलिए इसका नाम भी लेखक ने देहाती नाम ही रखा है। इसलिए तो मुंशी जी और मुंशी जी के भाई, बड़े भाई, ये दो भाई थे मुंशी जी। मुंशी जी छोटे थे और इनके बड़े भाई जो थे वो दारोगा थे। अब दारोगा किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। दारोगा कुछ लोग दारोगा कहते हैं, अरे यार देना ही है आपको, चाहे वो कर दीजिए चाहे गा कर दीजिए, कुछ तो देना ही पड़ेगा। यदि आप दारोगा जी के पास पहुंच गए थाना में रिपोर्ट लिखाने या कोई अपना कार्ड लेकर के, तो रो कर चाहे गा कर आपको उनका खुशामद करना ही होगा। इसीलिए बड़ा सुंदर नाम है दारोगा, यानी दीजिए चाहे रो कर दीजिए चाहे गा कर दीजिए, लेकिन बिना दिए जान बचने वाला नहीं है। तो आगे इस कहानी को हम अगले दिन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा जो समय है वो लगभग समाप्त होता है, क्योंकि दूसरे क्लास को पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी बच्चा को कुछ पूछना है विषय में, कुछ समझना है, तो मैं आपका 2 मिनट इंतजार कर रहा हूँ। कोई बच्चा कोई प्रश्न अगर करना चाहता है, अभी तक जितना मैंने बताया है जो उन्हें स्पष्ट न हो पाया हो, तो ठीक है आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। 2 मिनट का मेरे पास समय है। वो मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है, इसलिए आप लोग कोई प्रश्न जो है का छीटा नहीं मारना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।